अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मलीदे के लड्डू। तीन पराठे मैंने गेहूं के आटे के घी लगाकर बना लिए हैं। आधा कप मैंने काजू और बादाम ग्राइंडर में मोटा मोटा पीस लिया है। अब ग्राइंडर में पराठों को तोड़ तोड़ कर डालें। अब इसको बारीक पीस लें। देखिए एकदम फाइनली ग्राइंड होना चाहिए ये, तभी आपके लड्डू बनेंगे। मैंने इसको फाइनली ग्राइंड कर लिया है। फाइनली ग्राइंड करने से बाइंडिंग अच्छी होगी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़े से मिक्सचर में, मैं 1/3 कप कटा हुआ गुड़ डाल रही हूँ। अब इसको पीस लें। अब ये मिक्सचर को, गुड़ के मिक्सचर को बाकी के मिक्सचर में ऐड कर दें। अब सारे ड्राई फ्रूट्स 1 टेबलस्पून घी गरम करके फ्राई कर लें। स्लाइटली गोल्डन होने तक फ्राई करें। गैस बंद करने के बाद 1 टीस्पून इसमें खसखस डालें। अब ये ड्राई फ्रूट्स को मिक्सचर में ऐड कर दें। दो टीस्पून इसमें मोटी शक्कर डालें अच्छे क्रंच के लिए। अब इसको मिक्स कर लें। हाफ टी स्पून इलायची पाउडर भी डालें। अब हाथ से मिक्सचर को मिक्स कर दें। देखिए मलीदा तैयार है। अब इसके लड्डू बना लें। लड्डू बनाने के लिए मलीदा बिल्कुल बारीक पिसा होना चाहिए, यानी कि पराठा बिल्कुल बारीक पिसा होना चाहिए, तो ही आपके लड्डू बनेंगे, तो ही उसमें बाइंडिंग आएगी। इसी तरह से सारे लड्डू बना लें। मलीदे के लड्डू तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।